अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजन मलिक। और कैसे आप लोग, सब ठीक है? रमज़ान मुबारक। और यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है आज, ना ही पूछे कि कितना लग रहा है। और आप क्या कर रहे हैं ये तो बताएं, अगर मुझे देख रहे हैं तो अच्छी बात है ना, फिर देख रहे हैं। माने आज आपकी बहन रोजा तोड़ने वाली थी, लेकिन है फ्रिज में कुछ ना बनाने की वजह ये है कि क्योंकि आज तो हमारा कहीं और अवतार है, तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे बताएं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आज मैंने छोटे छोटे से बाल पकड़ के इसको अच्छे से स्ट्रेट किया था। मेरी बहन ने मुझे 1 बजे उठा दिया था कि उठ के सज्जन अक्ल की मारी, अक्ल के अंदर कपड़े प्रेस कर ले, शॉवर ले ले, ये कर ले, वो कर ले, इतनी लिस्ट सुना दी कामों की, लेकिन सारे हेयर मेरे ही थे जो मैंने ऐसा ऐसा सब कंप्लीट कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं आ रही हूँ बस। ये है जी हमारा कुर्ता जो हम पहनेंगे, ये है जो आज मैं कुर्ता पहनने वाली हूँ, रेड। इस रमजान में मैं शायद ही पहला रेड पहनने वाली। इसके साथ ये एक बड़ा सा दुपट्टा है जो हम पहनेंगे। रमजान है, शर्म करो। तो अभी बाल स्ट्रेट कर लिए हैं मैंने, इसके बाद अभी तैयार होते हैं, फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। चल जुड़े रहे मेरे चैनल के मैंने पूरा सूट पहना है। और ज्वेलरी की अगर बात करूँ तो एक वॉच पहनी है सिंपल, और इसके अलावा एक रिंग वेयर की है, छोटे छोटे से कानों में स्टड्स पहने हैं। बहुत ज़्यादा आप ज्वेलरी करेंगे तो बहुत ओवर हो जाएगा, लाइक आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर आप शादी में जा रहे हैं, तो अफ्तार पार्टी के लिए इतना इनफ है, शायद ये भी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर बात ओके है। सीख ली आपने? आई विल ट्राई। कोरोना की प्रिकॉशंस करते हुए यहाँ पे मौजूद है अवतार पार्टी। चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी क्या चलेगा? अवतार पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? यार इफ्तार आज का बहुत ही मज़े का था, उमर ने ऑर्गेनाइज़ करवाया। उमर को हम यहाँ पर बताना नहीं भूल सकते हैं, बिकॉज सारा क्रेडिट उसी को जाता है। और इफ्तार इतना मज़े का था, स्पेशली जो बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू हुआ ना आज, इट वाज रियली अमेजिंग। और इतना जूसी था ना, सीरियसली आई लव इट। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ यार, बहुत मज़ा आया आज आप सबसे मिलकर, गैदरिंग हो गई और इस कोरोना फ्रेंडली ओके बाय। हेलो गर्ल्स, हाथ हिला दें। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, पहली डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे ऐसी मिली है जिन पे मुझे ट्रस्ट डेवलप हो गया कि मैं अगर अपनी स्किन का भी काम करवाऊंगी तो मैं इनसे करवाऊंगी। शी इज़ वेरी प्रिटी, और इनका नाम है सिद्दीका। मास्क भी बहुत प्यारा, इनका स्टाइल आप देख सकते हैं कि मैं सारी माओ को कहूँगी कि इनका स्टाइल कॉपी करें। आप छोड़ दें सेलिब्रिटीज को, इनका स्टाइल कॉपी करें। माशाल्लाह, बहुत थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहती हैं अपने बारे में? वेल, आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर एस्थेटिशियन, आई हैव अ चेन ऑफ माय ओन सैलॉन्स, कोरल ब्यूटी एम्पोरियम, एंड मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है, एंड आई हैव डेजिग्नेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वन ऑफ आवर स्किन ब्रांड्स, एंड देयर हलाल, देयर वुडू फ्रेंडली एंड देयर ऑर्गेनिक, व्हिच मींस वी स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स। एंड हम इसको एक एजुकेट करने के लिए हम पाकिस्तान में आए हैं कि लोग स्किन को हेल्थी रखें और मतलब लुक गुड फील गुड हो, ये हमारी फिलोसफी है। एक औरत जब अच्छा अंदर से फील करेगी वो बाहर से उसकी स्किन के ऊपर फील गुड होगा। सो दैट्स द होल थिंग अबाउट आवर चॉइस ऑफ गुड। वेरी नाइस। ऑन द डाइनिंग टेबल वी वर डिस्कस के आप चैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यस, सो हाउ कैन यू वांट टू हेल्प द अदर्स? The whole method of us coming to Pakistan was all about के हम यहाँ की लोगों की jobs create करें। हम अलहमदिल्ला लोगों के लिए देखें, jobs create करने में ये economy पाकिस्तान की help करने में
और ऐसे ब्रांड्स जो हमारे लाने में कि लोग क्या करते हैं कि उनको दुबई जाना होता है ट्रैवलिंग करने, कोविड की वजह से नोबडी कैन ट्रैवल, आपके डोर स्टेप पे आपसे आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स अगर यहाँ पे मिलेगा तो बाहर जाना तो इट्स मोर एक्सपेंसिव. इट इज़ एंड दिस इज़ व्हाई आई मीन आवर ट्रीटमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 2500 एंड दे गो ऑल ओवर टू 25,000. वी डू नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, वी डू लेज़र, वी डू कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स एंड स्किन केयर लाइक ऑन प्रिसिजन वैक्सिंग. बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम कैटर कर रहे हैं एंड इट्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी. मतलब लो एंड से लेकर हाई एंड तक है, बट हम पॉलिशर प्लीज नहीं यूज कर रहे. कर्नल साहब, आज आपके घर इतने मेहमान आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आई वेलकम एवरीबॉडी, मैं सबको मशहूर इससे अपना टाइम निकाल के आए माशाल्लाह. ओके, नहीं इतने लोगों का लेंगे ना, एक एक ही लेंगे. अच्छा, आपको सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद आई है? मुझे कबाब जूते. कबाब, वेरी नाइस. छोटे पैकेट आपको क्या अच्छा लगे? कबाब एज वेल. ओके सर, आप ओके, थैंक यू. ओके सर, आप ओके सर, आप बहुत अच्छा था. सर माइंड ना करें तो मैं एक सवाल पूछूं, आपके बाल झड़ गए या खुद ही गर्मियों की वजह से करवाया? अच्छा, ओके. दोनों भाई हैं, माशाल्लाह, बड़े भाई हैं, छोटे भाई. अच्छा, वाह, ये भी भाई हैं और ये भाई हैं. अच्छी चीजें एक्सप्लोर करने को मिल रही है. ऐसा होना चाहिए ना भाई भाई. अच्छा, आप बताएं जी. हाँ, बहुत मजा आया और बड़ी अच्छी गैदरिंग है और अभी चल रही है और अभी चाय का दौर जो है थोड़ी देर बाद शुरू. मतलब आपने अभी जान नहीं छोड़नी. हाँ, अभी हम थोड़ी गप्पे लगाएंगे क्योंकि कोरोना की वजह से हम गप्पे डिप्राइव्ड हुए हैं. सर, वेयर इज योर मास्क? हाँ, ये बड़ा अच्छा गुड क्वेश्चन है. बट व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? ओके कबीर, इतने हेल्दी हो गया माशाल्लाह, ये रमजान की वजह से? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है, खुशियाँ बहुत खुशियाँ. कोई गम जो आप चाहते हो ये भी खत्म हो जाए? नहीं, इंसान की जिंदगी में गम जरूर होने चाहिए, वो होश में रहते हैं. होश में रहते हैं, ठीक है. तो पार्टी, यू कैन सी द कंडीशन ऑफ किचन. ये है वो शेफ जिन्होंने बनाया आज का खाना. ऐसे ही है सारा खाना आपने अकेले बनाया है? भाई ने बनाया है. तो देखो लोग ज्यादा आ गए ना. कितना टाइम लगा ये खाना बनाने में? एक दिन, एक दिन? पूरा दिन? चाहते हो हम दोबारा आए? वो क्यों, तुम्हारी तो मेहनत लगी, पसीना निकला बेचारे का. मेहमान घर में आए, ये रात की रहमत है. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. अभी क्या बना रहे हो? चाय? ये किचन भी आप साफ करोगे? ये किचन गंदा किया है इन तीन लड़कियों समेत, काफी लड़कियों ने. ये भी आई है. ये सारा कुछ तुम लोगों ने खाया है? मैंने खिलाया, खाया नहीं है. अल्लाह हाफिज. बट इट वाज सो फैंटास्टिक अफ्तार पार्टी. थैंक यू, थैंक यू. वोट मेरे हुए सारे. वोट बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर. और अफ्तार पार्टी के हवाले से भी कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा था. लेकिन अब किचन हम साफ करने वाले, इसलिए हमें भाग रहे हैं. बाय, थैंक यू.